एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय द ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। ओके, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो कि विच इज डिवाइजेबल बाय ईच ऑफ नंबर 6, 9, 15। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा ना, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप उसका एलसीएम फाइंड कर दो। क्या कर दो? पहले उसका एलसीएम फाइंड कर दो। एलसीएम फाइंड करने के बाद उसको क्या करो, फैक्टराइज करो। तो आपको पता चलेगा कि इसको आपको ऐसा पता चलेगा कि इसको आपको अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। ओके, तो ये हो सकता है। चलो फिर से करते हैं। हम कौन से नंबर दिए, 6, 9 और 15। तो चलो 6, 9, 15। 6, 9, 15 टू से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 9, 15 टू से नहीं कटेगा, 6, 6 तो कटेगा ना, तो 2, 3 सा ये कटेगा नहीं, तो ऐसे का वैसा। अब देखो 3 से काटो, तो 3 से ये 1, ये 3 और ये 5। अब अगेन 3 से काटो, तो 3 से ये 1, क्योंकि ये तो कुछ होगा नहीं, जिसे कुछ नहीं होता उसको ऐसे नीचे ला लो। फिर ये भी 1 और ये 5। अब बचा क्या, ये तो 1 बना गया ना, तो ये 5, ये 1, 1 एंड 1, तो 5, तो क्या बचा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ये बचा इतना, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आया, 90। कितना आया एलसीएम, 90। अब 90 का फैक्टराइजेशन करो, 90 को फैक्टराइज करते हैं हम, तो 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, तो कितना आया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, इतना आया 90 इज इक्वल टू। हमको क्या पूछे, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइजेबल, इन तीनों से डिवाइजेबल हो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर। तो अभी देखो ये है, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। हाँ ये ओके, इसको आप 6, 9 और 15 तीनों से आप ये 90 को आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं पूछा होता, खाली इतना पूछा होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और हमको पता है स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों के पैर बनाते और जो पैर नहीं होती उनको हम मल्टीप्लाई कर देते। तो ये 2 1 ही था, तो दूसरे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। 3 की तो पैर पहले से है, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, 5 से। तो हमने टोटल कितना मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस 5, तो टोटल कितना मल्टीप्लाई किया, 10। टोटल कितना मल्टीप्लाई किया, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, पहले हमारे पास कितना था, 90 था। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 क्रॉस 25। ये दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 900। कितना आंसर आ जाएगा, 900। ओके, ये था एग्जाम्पल नंबर 8 किसका, आपका जो बुक में जो एग्जाम्पल दिए थे इसके। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते एक्सरसाइज 6.3 का 9 नंबर। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइजेबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। तो 4, 9 और 10, तो चलो फिर से वैसी की वैसी प्रोसेस, 4, 9, 10। चलो 2 से कटता है, 2 से 2, 9 तो नहीं कटेगा, तो वैसे का वैसा ये 5। अभी भी 2 से, क्योंकि ये 1, 9, 5। अभी भी तो ये 3 से, तो 3 से 1, 3, 5। अभी भी 3 से ये 1, 1, 5। अब क्या बचा, 5 बचा, 5 से 1, 1, 1। ओके, ये हो गई आपकी पूरी प्रोसेस। तो आया क्या, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अभी देखो, अगर आपको सिंपली पूछा है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 9 और 10 से कटता है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 क्रॉस 5, कितना 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 होता है 36 क्रॉस 5, तो 6 5 0 3, 3 5 15 और 1 8, कितना आंसर आया, 1 8। तो अगर आपको ऐसा पूछता है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 9, 10 से कटेगा, तो 1 8 0। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो 1 8 0,
लेकिन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है तो उसके लिए क्या आएगा आंसर? तो फिर से हमारी पैर लिखो 180 में, तो 2 की पैर बन रही है, 3 की भी बन रही है, लेकिन 5 अकेला है, तो 5 अकेला है तो पैर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन हमको सेकंड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, हमारे पास में पहले 180 था, उसमें क्या किया 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो अभी भी 18 का कितना होता है 90, और पीछे एक जीरो लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या कि ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है स्मॉलेस्ट, ऐसा 900 मीन्स 900 ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो ईच मीन्स 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, वैसे ही 10 नंबर का क्वेश्चन, तो 8, 15, 20, तो उसमें भी ऐसे करो 8, 50 और 20 का एलसीएम फाइंड कर दो, फिर एलसीएम में पैर बनाओ, जो पैर नहीं बनती उसको उससे मल्टीप्लाई करके पैर बनाओ, और पैर बनाने के बाद उसको आप देख लेना कि कितना आंसर आता है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी एलसीएम मीन्स स्मॉलेस्ट ही होता है ना, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जब भी आपको क्वेश्चन में आए तो आप उसका एलसीएम फाइंड कर दो, एलसीएम फाइंड करने के बाद आप उसको पैर बना के स्क्वायर बना दो, तो आपको पता चल जाएगा।